हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी इस चैप्टर के स्टैटिस्टिक्स के पिछले पार्ट पे हमने कवर कर रहा है अपना टॉपिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। हमने वहाँ स्टडी करा था कि मीन को फाइंड आउट करने के हमारे तीन मेथड्स होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब इस पार्ट में और इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ग्रुप डाटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो हम अपनी इस वीडियो का पहला पार्ट दैट इज मोड ऑफ ग्रुप डाटा शुरू करते हैं। ग्रुप डाटा मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रुप डाटा हमारा क्या होता है। अब हम फोकस करते हैं पहले मोड क्या होता है। द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली और वी कैन से द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो हमारी वैल्यू है सबसे ज्यादा बार अपने डाटा सेट में रिपीट होती है उसको हम उस डाटा का मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक आपके लिए डाटा लिया है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे हमें कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन है, ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो हमने देखा जो ये टू वैल्यू है ये क्या है, हमारी टू टाइम्स आ रही है। सिमिलरली ये जो हमारी सेवन वैल्यू है ये भी क्या है, आपकी टू टाइम्स आ रही है। वन आपका वन ही टाइम आ रहा है, फोर भी आपका वन टाइम आ रहा है। और यहाँ ये जो वैल्यू है फाइव की, ये आप देखेंगे कि ये क्या है, आपकी थ्री टाइम्स आ रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपकी कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, फाइव। सो वी कैन से दैट मोड ऑफ दिस डाटा इज फाइव। ठीक है ना, बिकॉज इट इज रिपीटिंग फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये वैल्यू क्या है, हमारी सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस डाटा का मोड क्या है, फाइव। अब ये तो डिस्क्रीट वैल्यू थी बच्चों, तो हमने क्या इजीली डिसाइड कर लिया कि हमारा फाइव हो गया। पर ग्रुप डाटा में जैसे आप जानते हैं कि डाटा क्या इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब वहां पे हम एक सिंगल वैल्यू डायरेक्ट नहीं बता सकते। सपोज करो मुझे उसके आगे फ्रीक्वेंसी भी दी है, ये फाइव दे रखा है, ये टेन दे रखा है, ये ट्वेल्व दे रखा है, इसके आगे कोई 32-40 मुझे एट दे रखा है, ये मुझे एक टेबल दे रखा है, मुझसे कहा है कि आप इसका मोड फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो हमने देखा मैक्सिमम हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। तो हम कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 20-30 इज द मॉड, क्योंकि मॉड मीन और मीडियन जो है वहां पे बच्चों एक सिंगल वैल्यू आती है, हमें पूरे क्लास इंटरवल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि ग्रुप्ड डाटा के लिए हम मॉड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे क्लास इंटरवल को अपना मॉड नहीं कह सकते। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि इस डाटा के लिए, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 12 सबसे बड़ी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मॉड हमारा क्या है 20-30 होगा। हमें एक सिंगल वैल्यू ही ऑब्टेन करनी होगी, उसे हम सीखते हैं अब किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा मॉड का फॉर्मूला होता है, जब हमें ग्रुप डाटा दिया हो तो हम इस फॉर्मूले से अपना मॉड जो है फाइंड आउट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, एन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू होल इंटू एच। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो वैल्यूज हमने असाइन की है क्या क्या होती है। एल हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच होता है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एफ वन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो हमारा मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ जीरो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो हमारा मॉडल क्लास से जो ऊपर वाला जो क्या कहते हैं क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, एफ टू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो हमारा मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिया है, ये हमें डाटा सेट गिवन है, ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, हमें इसका मॉड फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले क्या है, आप देख रहे हैं हर जगह क्या है, मॉडल क्लास का हमने यूज करा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 है, तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल है ये क्या हो जाता है, हमारा मॉडल क्लास। सो वी कैन से दैट 20-25 इज द मॉडल क्लास। ठीक है, और मॉडल क्लास इक्वल्स टू 20-25। अब हमारा एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट हमारी क्या होती है ये, तो हमारा एल क्या आ गया यहां से 20। एच होता है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब उनका क्या साइज है, तो इनको माइनस करेंगे 25-20 तो हमारा एच क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 आएगा। एफ वन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एफ वन हमारा क्या आएगा 20। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, मतलब उससे ऊपर वाली जो क्लास है या उससे पहले वाली जो क्लास है 15-20 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमारा होता है F0, तो F0 हमारे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 7। ठीक है, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से नीचे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके नीचे हमारा 25-30 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो आपका F2 स्टूडेंट्स क्या आएगा 8 आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला बस याद करना है और इसमें हमारी जितनी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है उनको सब्स्टिट्यूट करना है, तो मॉड इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एल है हमारा स्टूडेंट्स 20, एफ वन माइनस एफ जीरो दैट इज
ट्वेंटी माइनस सेवन अपॉन टू एफ वन मतलब टू इंटू ट्वेंटी फोर्टी माइनस सेवन माइनस एट इंटू फाइव। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी प्लस थर्टीन इंटू फाइव अपॉन सेवन प्लस एट फिफ्टीन। फोर्टी माइनस फिफ्टीन क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका ट्वेंटी फाइव। तो ये फाइव वन जा ये फाइव फाइव जा थर्टीन अपॉन फाइव को जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो फाइव टू जा टेन डेसिमल लगाया सिक्स तो ये वैल्यू क्या आएगी टू पॉइंट सिक्स। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्वेंटी प्लस टू पॉइंट सिक्स दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स। तो हमारा मॉड ऑफ गिवन डाटा क्या हो गया स्टूडेंट्स ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स। तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है सिंपली बस आपको सबसे पहले अपनी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट करना है वहां से आप अपनी मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे और मॉडल क्लास की हेल्प से फिर आप अपनी सब्सिक्वेंट सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर का स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक अब आता है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम समझते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारा होता है मीडियन मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन डाटा हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब अपने डाटा को क्या है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़े से छोटे या छोटे से बड़े फॉर्म में जो अरेंज करते हैं तो उसमें जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारा क्या कहलाता है मीडियन कहलाता है। आपने उसके मेथड जो है वो पढ़े होंगे कि हम डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा के लिए फिर से हमारा क्या है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पे हमारा एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ठीक है। एन होती है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे हम समेशन एफ आई भी कहते हैं। सी एफ हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो हमारी मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आप इसको फॉर्मूले को बस नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मीडियन क्लास होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इन सबको मैं अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है। एफ हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और एच हमारा होता है स्टूडेंट्स क्लास साइज ठीक है। तो हम पहले अपना डाटा देखेंगे क्या है वहां से हम ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर अपने फॉर्मूले में पुट करके अपना मीडियन जो है ऑब्टेन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या है इसका फॉर्मूला पढ़ा कि हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे हमें डाटा सेट गिवन है ठीक है। ये हमारे क्या होगा स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल होगा ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है ठीक है। अब हमें क्या है यहाँ से अपना क्या है मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमें स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करना होता है ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो पहली वैल्यू है वो हम एज इट इज लिखेंगे ठीक है। अब सब्सिक्वेंट वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसमें अगली वैल्यू को ऐड करके चलेंगे। तो 14 प्लस 7 ये आपका क्या आ जाएगा 21। फिर हम फिर से 21 में 13 ऐड करेंगे तो 21 प्लस 13 आपका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 34 ठीक है। अब आप 34 में 12 ऐड करेंगे तो 34 प्लस 12 आपका स्टूडेंट्स आएगा 46 ठीक है। अब सिमिलरली 46 में 20 ऐड करेंगे तो 46 प्लस 20 ये आपका स्टूडेंट्स आएगा 66। अब 66 में हम 11 ऐड करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 77। अब 77 में हम 15 ऐड करेंगे तो ये आपका 92 और 92 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 100। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करें तो वहां जो लास्ट वैल्यू हो वो आपके समेशन एफआई से मैच करनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने इसको कैलकुलेट करने में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करी है ठीक है। एक बार और दोबारा स्टडी करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये दो टेबल हमें गिवन थे हमने यहाँ से अपना समेशन एफआई फाइंड आउट करा फिर हमने सीएफ में क्या पहली वैल्यू हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे 7 थी हमने 7 कर ली। फिर क्या है हम सी एफ को सब्सिक्वेंट अपनी फ्रीक्वेंसी से ऐड करते चलेंगे अल्टरनेट वे में या डायगनल वे में। तो 7 प्लस 14 21 फिर 21 प्लस 13 34 फिर 34 प्लस 12 46 फिर 46 प्लस 20 कम्स आउट टू बी 66 फिर 66 प्लस 11 77 77 प्लस 15 92 एंड 92 प्लस 8 100। जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो स्टूडेंट हमेशा समेशन एफआई से मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रही है तो देयर इज सम एरर और सम मिस्टेक डन बाय यू। अब क्या करेंगे हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा एन क्या आ गया स्टूडेंट्स 100 आ गया तो यहां से हमारा एन अपॉन टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 50 हो जाएगा ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ध्यान से देखिएगा हमारा एन क्या आया यहाँ पे 100 आया एन अपॉन टू क्या हो जाएगा 50। अब हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 50 फ्रीक्वेंसी कहां लाई करेगी तो 50 क्या है 46 और 66 के बीच में आएगा। तो ये जो 66 वाली क्लास है 40 to 50 इसे हम क्या करेंगे अपना मीडियन क्लास लेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो मीडियन क्लास है जो मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूले के बाद
कि हमें सबसे पहले अपना मीडियम क्लास फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा क्या हो गया 40 to 50। वो हमने कैसे फाइंड आउट करा, हमने अपना एन देखा क्या है 100, एन अपॉन टू क्या हो गया 50, तो हम 50 देखेंगे कि वो कहाँ पे लाई करेगा, तो वो 66 वाले टेबल में लाई करेगा, तो उसके सब्सिक्वेंट जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वो हमारा मीडियम क्लास होगा। सपोज अगर यहाँ पे हमारा एन क्या आता है, स्टूडेंट्स 90 आता, तो एन अपॉन टू क्या होता 45, तो 45 हमारा जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारी मीडियम क्लास होती 30 to 40, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा टोटली कि ये कहाँ पे लाई करेगा, उस हिसाब से हम अपनी क्लास इंटरवल डिसाइड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एन अपॉन टू है ये सीएफ में चेक किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी में मत चेक करना, ठीक है। ये हमेशा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करेंगे कि ये 50 कहाँ लाई करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, हमें एल फाइंड आउट करना है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, तो वो क्या हो गया हमारा 40। एन हमारा एन अपॉन टू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं पहली, वो क्या हमारा 50। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सीएफ। सीएफ क्या होता है स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। जो हमारी मीडियम क्लास है उससे जो प्रीसीडिंग क्लास है, जैसे 30 टू 40, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स 46, ठीक है। तो यहां पे हमने सीएफ भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। जो हमारी मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है स्टूडेंट्स 20 गिवन है। एच क्या होता है हमारा क्लास साइज, यहाँ क्लास साइज क्या है हमारा 10, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि इन वैल्यूज को हमने कैसे फाइंड आउट करा। सबसे पहले हमने अपनी मीडियम क्लास ऑब्टेन करी, वहां जो लोअर लिमिट है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एल हो जाएगा। एन अपॉन टू हमने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया है। सीएफ क्या होता है, जो हमारी मीडियम क्लास है उससे प्रीसीडिंग, मतलब जो उससे ऊपर वाली क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है 46, वो हमारा सीएफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एफ क्या होगा, जो हमारी मीडियम क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी को हम एफ कहते हैं, ठीक है। एच हमारा क्लास साइज है जो कि सब जगह क्या है। अब हम अपने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। सो वी कैन से मीडियन इक्वल्स टू 40 प्लस एन बाय 2 दैट इज 50 माइनस 46 अपॉन एफ, हमारा 20 है और ये हमारा 10, ये 10 बन रहा है, ये 10 टू 50 माइनस 46 क्या आएगा स्टूडेंट्स 4, 4 अपॉन 2 क्या होता है आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 दैट इज मीडियन इक्वल्स टू 42, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से सिंपली हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है, अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ऑब्टेन करना और उसकी हेल्प से अपने सारे अननोन फाइंड करना। फिर उसके बाद हमारा बहुत इजी रह जाता है कि सारी वैल्यूज को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल स्टडी करा था उसमें क्या था, हमें एक डाटा सेट गिवन था और हमने उसका मीडियन फाइंड आउट करा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें मीडियन गिवन है, आपका समेशन एफआई गिवन है, मतलब आपका हम कह सकते हैं एन गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है मिसिंग एंट्रीज एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ड्रॉ करते हैं। उसके लिए पहली वैल्यू एज इट इज, फिर हम क्या है इसको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अब इसको इससे ऐड करेंगे तो 13 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 17 प्लस एक्स। अब इसको इससे ऐड करेंगे तो 20 प्लस 17 ये आपका हो जाएगा 37 प्लस एक्स। अब इसको इससे ऐड करेंगे तो 37 प्लस 14 ये आपका हो जाएगा 51 प्लस एक्स। अब हम इसको इससे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 51 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू 51 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 55 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि इसका सम क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए। हमें गिवन है कि हमारा n क्या है 68 और हमें पता है जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है वो इक्वल टू n आती है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट 55 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 68, ठीक है। तो यहां से x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 68 माइनस 55, तो हमारा x प्लस y क्या आ जाएगा 30। जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ चुके हैं, जब हमारे यहाँ पे क्या है दो अननोन है तो हमें मिनिमम दो इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी ऑब्टेन हो गई है यहाँ इसकी हेल्प से कि इसका जो सम है वो इक्वल टू एन होता है। अब सेकेंड इक्वेशन हम अपने मीडियन के फॉर्मूले से ऑब्टेन करेंगे। अब वहां पे आता है कि हम एल मतलब अपनी मॉडल मीडियन क्लास क्या डिसाइड करें, तो हमें यहाँ पे देखिए मीडियन गिवन है 137। अब हम 137 देखेंगे कहाँ लाई करेगा, 137 हमारा 125 और 145 के बीच में लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको मीडियन गिवन हो वहां हम एन की हेल्प से डिसाइड नहीं करेंगे या सीएफ की हेल्प से डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारी मीडियन क्लास क्या है, वहां हम डायरेक्ट मीडियन देखेंगे क्या है, मीडियन हमारा किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, जिस क्लास इंटरवल में वो लाई कर रहा होगा वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहां से हमारा एल क्या हो गया स्टूडेंट्स 125,
ठीक है, एन अपॉन टू हमारा 68 अपॉन टू आपका आएगा 34, ठीक है। सी एफ क्या होता है, इस क्लास इंटरवल से जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है उसका सी एफ, वो क्या है आपका 17 प्लस एक्स, ठीक है सुरेश। अब आपका हम एफ क्या होगा, एफ होता है जो आपकी क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो आपकी क्या है 20, और हम देखेंगे एच क्या है यहां पे हमारा 85 माइनस 65, एच भी क्या है आपका 20। तो ये हमारे फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज यूज होती हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली है अपनी मीडियम क्लास की हेल्प से। अब हम वहां पे वन बाय वन अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स और वाई के बीच में एक और रिलेशन या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मीडियम क्या है हमारा 137, एल है स्टूडेंट हमारा 125, एन अपॉन टू है 34। अब ये है एन अपॉन टू माइनस सी एफ, तो 34 माइनस 17 प्लस एक्स, तो जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये दोनों टर्म्स को हमारे क्या है नेगेटिव कर देगा, ठीक है। अपॉन में हमारा एफ दैट इज 20 और मल्टीप्लाई में भी हमारा 20, 20 20 गैप्स कैंसिल्ड आउट, ठीक है। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 137 माइनस 125 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 12, 34 माइनस 17 आपका आएगा 17 माइनस एक्स। अब x को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 12 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 17 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। हमारी यहाँ पे x की जो अननोन एक वैल्यू थी ये हमारी ऑप्टेन हो गई है। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वहां पे हम x की वैल्यू को क्या है सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है 13 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 13 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 5 और 8। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 है, अब हमारी x की वैल्यू क्या आई है 5, फिर 13 20 14, x y की वैल्यू क्या आई है हमारी स्टूडेंट्स 8 फिर 4। हमारी फ्रीक्वेंसी जनरली क्या है पहले बढ़ती है, ये 4 है फिर 4 से इंक्रीज हुई 5, फिर 5 से इंक्रीज हुई 30, फिर 13 से इंक्रीज हुई 20, हमारी वो मीडियम क्लास तक या हम कहें पीक वैल्यू तक वो पहले क्या है इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी वो 4 से पहले 5 हुई, फिर 5 से 13 हुई, फिर हमारी पीक पे पहुंची 20 पे, और फिर यहां से क्या है वो उसी ऑर्डर में नहीं मतलब इसी तरीके से डिक्रीज होती है, 20 से वो कहां गई 14 पे, फिर 14 से 8 पे और 8 से 4 पे। ये वैल्यू सेम नहीं होंगी पर एक क्या है कि हमारी पहले वैल्यूज क्या है पीक वैल्यू तक बढ़ रही है फिर उसके बाद घट रही है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू ये भी प्रूफ कर रही है कि आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो ठीक आई है क्योंकि वो उसी ऑर्डर में बढ़ रही है और फिर आपकी डिक्रीज हो रही है।